नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में पौराणिक ग्रंथ में ब्रह्मा जी के जो स्वरूप वर्णित है उसमें उनके चार मुख दिखलाए गए हैं। यह परमात्मा की सत्ता का एक चित्र है। चार मुख उसके चार वेदों को दिग्दर्शन करते हैं। इन चार मुख को ब्रह्म, ईश्वर, विष्णु और भगवान कहा जाता है। वैसे तो परमात्मा एक ही है, पर उससे उत्पन्न विश्व व्यवस्था को समझने के लिए उसके चार विभाग कर दिए गए हैं। आज हम इन चार विभागों में ब्रह्म स्वरूप को समझेंगे। सात्विकता की ऊंची कक्षा को ब्रह्म कहते हैं। वैसे तो परमात्मा सत्य, रज, तम तीनों गुणों में मौजूद है, पर उसकी ब्रह्म ही ज्योति सत्गुण में ही है। सात्विक भाव ब्रह्म केंद्र से ही उत्पन्न होते हैं। मनुष्य के मन में ये तो अनेक प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं, पर जब सत्वगुणी आकांक्षाएं उत्पन्न होती हैं तो उनका उद्गम केंद्र, प्रेरक बिंदु पर वह ब्रह्म ही होता है। ऋषियों में, महात्माओं में, संतों में, सत्पुरुषों में हम परमात्मा का अधिक अंश देखते हैं। उन्हें परमात्मा के समीप समझते हैं और ऐसा मानते हैं कि परमात्मा की उन पर कृपा है, परमात्मा की विशेष सत्ता उनमें मौजूद है। यह सत्य का अधिकाई ही ब्रह्म ही स्थिति है। पूर्ण सात्विकता में जो अधिष्ठित हो जाते हैं वह ब्रह्म निवारण प्राप्त कहे जाते हैं। मनुष्य की अत्यंत चेतना प्रकृति और पुरुष दोनों में संयोग से बनी हुई है। मन, बुद्धि और चित्त अहंकार प्रकृति में भौतिक तत्व द्वारा निर्मित है। जो कुछ हम सोचते, विचारते, धारण या अनुभव करते हैं वह कार्य मस्तिष्क द्वारा होता है। मस्तिष्क की इच्छा, आकांक्षा, रुचि तथा भावना इंद्रिय रस तथा सांसारिक पदार्थ की भली बुरी अनुभूति के कारण होती है। मस्तिष्क में जो कुछ ज्ञान, गति और इच्छा है वह सांसारिक स्थूल पदार्थ के आधार पर ही बनती है। स्वयं मस्तिष्क भी शरीर का एक अंग है और अन्य अंगों की तरह ही वह पंच तत्व से, प्रकृति से बना हुआ है। इस अंततः कारण चतु सत्य से परे एक और सूक्ष्म चेतन केंद्र है जिसे आत्मा या ब्रह्म कहते हैं। यह ब्रह्म सात्विकता का केंद्र है, आत्मा से जो सदा ही सतगुणी प्रेरणा उत्पन्न होती है। चोरी, व्यभिचार, हत्या, ठगी आदि दुष्कर्म करते हुए हमारा दिल धड़कता है, कलेजा कांपता है, पैर थरथराते हैं, मुंह सूखता है, भय लगता है और मन में तूफान सा चलता है। भीतरी भीतर एक सत्य ऐसे दुष्कर्म करने के लिए रोकती है। यह रोकने वाली सत्य आत्मा है, इसी को ब्रह्म कहते हैं। असात्विक कार्य, नीचता, तमोगुण, पाप और पशुता से भरे हुए कार्य उसकी स्थिति से विपरीत पड़ते हैं, इसीलिए उन्हें रोकने की भीतर ही भीतर प्रेरणा उत्पन्न होती है। यह प्रेरणा शुभ और सद्गुणी पुण्य कर्मों को करने के लिए ही उत्पन्न होती है। कीर्ति से प्रसन्न होना मनुष्य का स्वभाव है और यह स्वभाव अच्छे अच्छे प्रशंसनीय श्रेष्ठ कर्म करने के लिए प्रोत्साहन करते हैं। शुभ कर्म से यश प्राप्त होता है और यश से प्रसन्नता प्राप्त होती है। यश ना भी मिले तो सत्य कर्म करने के उपरांत अंतर आत्मा में एक शांति अनुभूति होती है। यह आत्मतृप्ति इस बात का प्रमाण है कि अंततः कारण के अंतरंग आकांक्षा के अनुकूल कार्य हुआ है। दया, प्रेम, उदारता, त्याग, सहिष्णुता, उपकार, सेवा, दान, ज्ञान, विवेक की सुख शांति में इच्छा तरंग आत्मा में से ही उद्भव होती है और यह उद्गम केंद्र ही ब्रह्म है। ईश्वर का प्रत्यक्ष अस्तित्व अपनी आत्मा में ही देखने की वेदांत की साधना है। संत कबीर ने कहा है कि परमात्मा हमसे 24 अंगुल दूर है। मन का स्थान मस्तिष्क है और आत्मा का स्थान हृदय है। मस्तिष्क से हृदय की दूरी 24 अंगुल है। इसे प्रतिपादन में ईश्वर को अंतःकरण में स्थित बताया गया है। मनुष्य देवी और भौतिक तत्व से मिलकर बना है। इसमें मन भौतिक और आत्मा देवी तत्व है। आत्मा में तीन गुण है, सत्य, चित्त और आनंद। योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए साधना करते हैं। इस साधना का कार्यक्रम यह होता है कि आत्मा की प्रेरणा के अनुसार मन की सारी इच्छा और कार्य प्रणाली हो, भौतिक पदार्थ का नाश, अस्थिर और हानिकारक आकर्षणों की ओर से मुंह मोड़कर जब आत्मा की प्रेरणा के अनुसार जीवन चक्र चलने लगता है तो मनुष्य साधारण मनुष्य ना रहकर एक महान मनुष्य बन जाता है। ऐसे महापुरुष के विचार और कार्य सात्विकता, चैतन्यता और आनंददायक स्थिति के परिपूर्ण होते हैं। उन्हें संत, महात्मा, योगी, तपस्वी, परमहंस, सिद्ध, आत्मदर्शी या फिर ब्रह्मपरायण कहते हैं। जिनका ब्रह्म भाव आत्मिक विकास,
संपूर्ण सात्विकता तक विकसित हो गया है। समझना चाहिए कि उन्हें ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है, उन्हें आत्मदर्शन हो गया है। अगले वीडियो में हम ईश्वर के बारे में जानेंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।